नमस्कार। एशिया कप 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला खेला गया था। यही वो मुकाबला था जिसने हार्दिक पांड्या के करियर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और अब आलम यह है कि उनका करियर कभी भी खत्म हो सकता है। दरअसल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था। पांड्या टीम के लिए 18वां ओवर कर रहे थे और तभी अचानक वो पिच पर लेट गए। पांड्या की चोट इतनी सीरियस थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद वो ओवर रायडू ने पूरा किया। एकदम से पूरे मैदान पर सन्नाटा पसर गया था। मेडिकल टीम आई और उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान के बाहर ले जाया गया। बाद में मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उनके पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी है। इसके बाद हार्दिक पांड्या की लंदन में सफल सर्जरी हुई। हार्दिक ने अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो जल्द ही क्रिकेट मैदान पर वापसी करेंगे। हार्दिक ने चोट के बाद शानदार वापसी की, लेकिन एक बार फिर उनके सामने वही समस्या आकर खड़ी हो गई है। हार्दिक के लिए आईपीएल 2021 अच्छा नहीं गया। आईपीएल के इस सीजन में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी तो कर नहीं पाए, तो वहीं वो बल्लेबाजी में भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। हार्दिक आईपीएल 2021 के 12 मैचों में केवल 127 रन ही बना सके। हार्दिक टीम के लिए ऐसे समय में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जब गेंदें कम बचती हैं और अधिक रनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में हार्दिक लंबे लंबे हिट्स लगाकर टीम को बड़ा योगदान देकर मैच में बढ़त बनाते हैं। लेकिन हार्दिक आईपीएल के इस सीजन में फ्लॉप रहे और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह तक नहीं बना पाई। ऐसे में अब मुंबई हार्दिक को आईपीएल 2022 से पहले रिटेन नहीं करने का मन बना रही है। आप तो जानते ही हैं, आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों का दबदबा रहता है जिसका प्रदर्शन मैदान पर हल्ला बोले। ऐसे में हार्दिक का प्रदर्शन औसत से भी नीचे आ गया है। यही वजह है कि मुंबई से उनका बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि मुंबई आईपीएल 2022 के लिए रोहित बुमराह और कायरन पोलार्ड को रिटेन करने का विचार कर चुकी है। खिलाड़ियों के रिटेन करने से संबंधित खबरों के बारे में बात करते हुए आईपीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मुझे लगता है बीसीसीआई के पास एक राइट टू मैच का फॉर्मूला होगा। यदि आरटीएम नहीं हो तो 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति मिल सकती है। रोहित शर्मा और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मुंबई की पहली पसंद होंगे। कायरन पोलार्ड टीम की तीसरी पसंद होंगे। इस टीम में शानदार प्रदर्शन निरंतरता है जिसमें ये तीनों उनके मजबूत स्तंभ हैं। इसके बाद उन्होंने हार्दिक को रिटेन करने को लेकर बात की और कहा, मौजूदा हालातों में हार्दिक पांड्या को टीम में बरकरार रखने की संभावना 10% से भी कम है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाकी मुकाबलों में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता है तब भी उनके मुंबई में रिटेन होने की गुंजाइश बेहद कम है। यदि 4 खिलाड़ी रिटेन हुए या एक आरटीएम है तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन उस जगह के सबसे बड़े दावेदार होंगे। हार्दिक पांड्या फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE में रुके हुए हैं। हालांकि आईपीएल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट उनको टीम में रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धोनी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को हार्दिक पांड्या के लिए मनाया और उन्हें एक और मौका देने को कहा। धोनी के कहने के बाद हार्दिक टीम में तो हैं, लेकिन उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वो इस मैच में गेंदबाजी भी नहीं कर सके। भारत को इस मैच में पाकिस्तान के हाथों हार झेलनी पड़ी। हालांकि हार्दिक अब नेट्स पर बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही बल्लेबाजी के लिए उनको धोनी से टिप्स लेते हुए भी देखा गया। भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। अगर हार्दिक को इस मैच में मौका मिलता है और वो कोई कमाल कर पाते हैं तो मुंबई इंडियंस अपना विचार बदल सकती है, क्योंकि दुनिया जानती है हार्दिक अगर अपने रंग में है तो उनके जितना बड़ा प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है।